हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी जोशीमठ अपने होम टाउन में। न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूँ। जो हमारा जोशीमठ है, यह है हिमालय में, और जिस बेल्ट में ये स्थित है, ये काफ़ी हाई सेंसिटिव जोन में आता है, बिल्कुल टॉप में, जोन 5 में। और गवर्नमेंट को ये सब कुछ आज से 50 साल पहले, तकरीबन आधा सदी पहले, मेरे पैदा होने से भी पहले से मालूम था। और उनके पास खुद की ये रिपोर्ट में सारी चीजें थी कि जो जोशीमठ है, ये पूरा क्षेत्र काफी संवेदनशील है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसके उलट ही किया। यहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, टनल्स, हाईवे, एक के बाद एक बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर बसाए गए, जिसका नतीजा है ये है कि आज पूरा का पूरा जोशीमठ आज धस रहा है। और हम ये चीजें पिछले 20-30 सालों से अपनी आवाज उठाते रहे इन चीजों के खिलाफ, और आज भी गवर्नमेंट इस चीज को नहीं सुन रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, जियोलॉजिस्टों की रिपोर्ट है कि अभी करीबन 100-200 और ऐसे नए गांव और शहर हैं जो जोशीमठ की तरह आने वाले समय में एक के बाद एक इस तरीके से धस सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ना तो पिछले 50 सालों से अभी तक की कोई नीति रही इन चीजों पे, और ना ही आने वाले समय में जो आने वाले और भविष्य के बनने वाले जो जोशीमठ है, उनको कैसे रोका जाए, अभी तक भी कोई ठोस कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, ना कोई रोड मैप है फ्यूचर के लिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम आज भी आवाज उठा रहे थे, और पिछले कुछ समय से इन्हीं चीजों में हम बिजी रहे। और कल भी मेरे को यहाँ पर, तो हम एनटीपीसी को भी देखने गए, जो कि हर बार झूठ बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो लगातार ब्लास्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखने के लिए कल हम उनके टनल में गए, और एक वीडियो भी मैंने बनाया, तो आप देख लीजिए। हम लोग आज अभी टनल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास हैं दिनेश भाई जी, जिनका फील्ड ही जियोलॉजी से रहा है, और मैं विवेक, और हमारे हैं परमार जी, और ये समाज सेवक हैं, और काफी समय से अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष भी करते रहे हैं। और हमारे पीछे हैं मीडिया के साथी, हमारे उत्तराखंड पुलिस के सभी लोग। तो यहाँ से अभी टीम जा रही है हमारी, तो हम देख रहे हैं वहाँ पर कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने ये देखना वहाँ पे, और क्या है, जो भी चीजें वहाँ पे दिखेंगी तो उसकी जो भी रिपोर्ट बनेगी तो हम आगे यहाँ पर सारे स्थानीय जनता के सामने रखेंगे। जो भी घटनाक्रम रहेगा आपको हम बताते रहेंगे। गाड़ी है वो भी उतर गई। अच्छा, तहसीलदार साहब, मैं जा रहा हूँ सर। मैं भी चलूंगा आपके साथ। बैठो तो, आप भी बैठो, कोई फायदा नहीं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इधर टनल के गेट पर, और यहाँ से इसका एंट्री रहेगा। तो यहाँ पर हमको अपनी गाड़ियाँ अभी यहीं छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ से हम निकलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर कोई ट्रेन है, तो उस ट्रेन से हमको ले जाया जाएगा यहाँ से अभी आगे। तो अभी सभी लोगों की यहाँ पर एंट्री वगैरह हो रही है पूरी टीम की, तो इसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे। क्या बोल रहे हो आप, पैदल जाना है यहाँ से? पैदल जाना है हम लोगों को, बोला यहाँ से। अरे बताओ ना, हमने भी जवाब देना आगे। क्या है यहाँ से, मतलब क्या है यहाँ से अंदर जाने की, देखने के, निरीक्षण करने की व्यवस्था? हाँ, अभी आ रहे हैं सर। आप तो बोल रहे हो कि पैदल जाना है यहाँ से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? लोको लोको मेरा हुआ है ना, हाँ, और मेरे पास कोई क्रू मेंबर्स भी नहीं है जो लोको चलाता। आपको आपको शासन प्रशासन ने बताया था कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए? अरे भाई जवाब तो छह दो, किलोमीटर किस, है, फेस पे जाना हम लोगों ने। हाँ बोले ना, बोलो नहीं, इन्फॉर्मेशन है तो मना कर। आप तो ये गलत बात है ना, आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ से हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, सारी चीजें आज ही खराब हो गई है, 6 किलोमीटर तुम पैदल जाओ। तो फिर सर को भेजो जिससे बात कर सकते हम, जो पूरी जानकारी दे सके ना। तो अभी जिस हिसाब से एनटीपीसी का बोलना है कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा है, तो आप देखेंगे मेरे पीछे जो ये एग्जॉस्ट का है, जहां से आपका ये अंदर की सारी गैसें वगैरह बाहर निकाली जाती है। तो मेरे को जहां तक समझ में आता है, साइंस यही है कि
अगर अंदर आदमी लोग जब काम करते हैं तो उन लोगों को घुटन नहीं हो, वो सारी हानिकारक गैसें बाहर निकाले, उसके लिए ये सारी चीजें, ये एग्जॉस्ट वगैरह लगा रहता है। तो अभी बता रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ये प्लांट अभी भी चल रहा है और आप आवाज सुन सकते हैं इसकी। तो ये तो हमने उनसे यही पूछा कि जब कोई आदमी अगर अंदर काम नहीं कर रहा तो क्या ये एग्जॉस्ट ऐसे ही चलता रहता है? तो ये भी कुछ अपने आप में सवाल है जिनके जवाब हम लोगों को मालूम होने चाहिए। तो क्या अगर महीनों तक यहाँ पे काम नहीं होगा, 2 महीने के लिए अभी अगर यहाँ पे बोला गया है कि काम को बंद करो, तो क्या 2 महीने तक ये एग्जॉस्ट चलता रहेगा? तो ये कुछ सवाल है हमारे। तो अभी इनके और भी अधिकारी आ रहे हैं जो इसका जवाब देंगे, तो हम उनसे पूछेंगे। नहीं तो आप लोग कैसे जाते हैं? आप लोग जब कभी कुछ काम रहे, हम जाते तो आप पैदल ही जाते हैं? आजकल तो बंद ही है, आजकल गए ही नहीं जब से काम बंद हुआ। हाँ। नहीं नहीं, जब जाते हैं आप लोग कैसे जाते हैं? अभी अंदर कोई नहीं है, मतलब वहाँ कोई नहीं है सर, बिल्कुल बंद है। तो ये एग्जॉस्ट ऐसा चलता रहता है? ये इसके लिए चला के रखा क्योंकि मॉइस्चर ना पड़े अंदर मशीन में ना। हाँ, तो अभी जैसे 2 महीने तक के लिए काम बंद करने के लिए बोला, तो ये 2 महीने तक चलता रहेगा? वहाँ से कैसे जाते हैं लोग, जो आप तपोवन के तरफ से, वहाँ से लोग अंदर कैसे जाते हैं? उधर गाड़ी जाती है? तो आप ये बोल रहे हो जिससे आप जाते हैं इसको क्या बोलते हैं आप लोग? लोको। तो आप बोल रहे हो कि वो अभी खराब हो गया? तो अभी अभी हमारे यहाँ पे जो बातचीत हुई, तो NTPC से ही यहाँ पे ये है, और इन्होंने बताया कि अभी अंदर जाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो कह रहे हैं कि अभी जो जिस मशीन से अभी अंदर जाया जाता था, ये लोग जो खुद यूज करते थे, तो वो कह रहे हैं कि वो खराब हो गई है, टूट गया उसका कुछ। तो आप लोग या तो पैदल ही जाइए, यहाँ से कम 6 या 7 किलोमीटर एक तरफ का रास्ता है, तो 7 किलोमीटर जाना या 6-7 किलोमीटर आना, मतलब 12-14 किलोमीटर है। तो और फिर पूरा पानी है, कीचड़ है, पूरा पानी आ रहा है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। कितना दिन हो गया इसको खराब हुए? कितना दिन हो गया इस मशीन को खराब हुए? हाँ जी, लास्ट बार कब चली थी? 10 दिन के आसपास। 10 दिन पहले चलाई थी आपने लास्ट बार? ट्राई किया था ना, रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया। 10 दिन पहले? अभी आप लोग कह रहे हैं? नहीं नहीं, अभी आप नहीं, उस दिन 10 दिन पहले क्या करने के लिए गए थे आप लोग? क्या काम था उस दिन? नहीं नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना, आपके पास आदमी नहीं है, अभी बीच में आपने चलाया हो 10 दिन पहले, 10 दिन या 5 दिन पहले जो भी चलाया तो आदमी तब तो था होगा ना आपके पास? नहीं, आपने से चालू किया था, उसे चालू करने की कोशिश करी थी, बट वो मतलब अपने से कोई भी चला लेता, कोई भी चला लेता, कोई नहीं चला, ऑपरेटर होगा ना, ऑपरेटर है, बट ऑपरेटर तो चले गए सर घर। कब गया ऑपरेटर? ऑपरेटर कब गया? ऑपरेटर तो क्या हो गया, कितना, 1.5 हफ्ता हो गया, ब्रेक डाउन हो गया ना वो तभी से। जब मशीन खराब हुई उसके बाद ऑपरेटर गया? हां, आप ये बोल रहे हो कि जब जिस दिन मशीन खराब हुई उसके बाद गया? कब तक ठीक हो जाएगी ये कह रहे हो? ये बोल रहे हैं अंदर काम नहीं हो रहा है, बस देखते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर काम हो रहा है और लोग हैं यहाँ पर, उनके बोलने के हिसाब से यहाँ की कोई नहीं है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, तो ये है इनका लोको जिससे ये लोग अंदर बाहर जाते हैं। और हमेशा की तरह आज और एक बहाना, तो इन्होंने कहा कोई कह रहा है सांप टूट गया, कोई कह रहा है नट टूट गया, कोई कुछ, तो अलग अलग रीज़न दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खराब है। तो हमने पूछा कि आप लोग कैसे जाते थे, बोला कि नहीं
उस समय हमारे पास ऑपरेटर था और हमने इसको कुछ दिन पहले चलाया था, तो हमने कहा आप तो कह रहे हैं 10-12 दिन पहले ऑपरेटर हमारा घर जा चुका था, तो ये कैसे वो किया। तो कुछ कुछ सवाल हैं जिन पे काफी संदेह लगता है, और अभी हमने पांव के निशान वगैरह भी देखे हैं, इधर ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट है, इधर जो सूख भी नहीं रखे, तो कई सारी चीजें हैं इनके सवाल के अभी तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे उस तरफ से देखेंगे आप तो वहाँ पंप जो चलते हैं वो भी चलाने की बात नहीं, पंप नहीं चलाएंगे तो जो हमारा किया धरा है वो सब डूब के, सर आपका जो इंटेक है ना, इंटेक जो पैक हो गया था वो खुल गया है? हाँ, पूरा पूरी तरह से। हाँ, पूरा फेस क्लीन हो गया उसका? हाँ। अच्छा, वो हमने कर दिया था नवंबर में। अच्छा, नवंबर में इंटेक वाला? हाँ, इंटेक वाला। वहाँ तो काम भी शुरू कर दिया था हमने, कॉन्क्रीट वगैरह डालनी थी तो थोड़ा शुरू किया था काम। तो अभी हम ये माने की अभी पूर्ण तौर से ये काम बंद नहीं किया गया, आप बोल रहे अभी फैन चल रहा है हम कर... फैन चलाना मैं बता रहा हूँ कि... नहीं नहीं, वो आपने बता, ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, लाइटिंग, डिवाटरिंग, वेंटिलेशन। हम लोग कब जा सकते हैं दोबारा? हम ही जा रहे हैं आपसे, हमने रिटेन करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा बिना काम के ना आदमी बैठता नहीं, और ठंडियां इतनी है, तो इस ये लोग को है ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि बेकार है मैंने ड्राइवर रखा चला, इसमें क्या है जो रेल लाइन है आपकी, इसकी भी रूटीन चेकिंग मेंटेनेंस होती है, जिसमें 3-4 आदमी लगे रहते हैं ना जब हम काम करते हैं। मतलब अभी आपके पास आदमी नहीं है? आदमी भी नहीं है, इसका कुछ टूट भी गया। अच्छा, इन्होंने ऐसी जबरदस्ती की ना, पीछे भी मीडिया वाले आए आए जी चलाओ चलाओ, वो मैकेनिक से चलवाई या कुछ किया, मीडिया तो पहले आई थी बहुत टाइम पहले आई थी, उसके बाद इसकी शार्ट सूट टूट गई। और ऐसे में क्या होता है, अनाड़ी आदमी ने जबरदस्ती कुछ कर करके हमने चलाई, पलटी हो गई, कुछ हो गया। सर अभी आप ये कह रहे हैं जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक अंदर जाना नामुमकिन है? अंदर पैदल तो जा सकते हैं, लोग को नहीं जा, 6.5 किलोमीटर पूरा पानी, कनाल पूरा पानी से लबालब है, कैसे जाएगा? तो मुश्किल है। वीरेंद्र साहब? हाँ जी, ना ना एकदम तपोवन तरफ जाए, देखते हैं तो अभी। अब हम लोग जा रहे हैं तपोवन वाली टनल से अंदर के लिए, तो उधर भी देखते हैं अभी। आराम से कुछ है थोड़ी, निषाद मोड़वाल, निषाद मोड़वाल मोड़ो में ब्याया आवला नहीं, निषाद मोड़वाल साबू मत बहुत ज्यादा पानी है तो अंदर नहीं जाया जा रहा, इधर पूरी की पूरी गाड़ी धस रही है इधर की तरफ, और पूरा का पूरा यहाँ पे पानी भर रखा है, 23 फीट पानी है। कल हम लोगों को NTPC के कुछ साइट तक जाने का मौका मिला जिसका आपने पूरा वीडियो देख लिया है, तो इसमें से कुछ कुछ सवाल निकल के आए जिसका अभी भी कोई जवाब नहीं हमारे पास। तो जैसे कि जो उनकी मेन टनल है हेलंग वाली, जिसपे सबसे ज़्यादा लोगों का कहना था कि वहाँ अंदर काम हो रहा है और जगह जगह से शिकायतें आ रही थी, वहाँ पर बाकी लोगों की तरह हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, मतलब एक तरीके की इस तरीके की परिस्थितियाँ बनाई गई कि हम लोग अंदर ना जा सकें। कहा कि जिस लोगों से, जिस गाड़ी से हमको अंदर लेके जाना था, बोला कि वो गाड़ी खराब हो गई है, उसका ड्राइवर भी यहाँ नहीं है, और कई अन्य इस तरीके की चीज़ें हुई। उसके बाद जब हमने वहाँ पर पूछा कि जो यहाँ पर टनल के अंदर तो मशीनें चल रही है, यहाँ पर जिस फैन वगैरह से अंदर साफ हवा भेजी जाती है और जो
हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो बाहर निकलती है, तो एक तरीके का जो वेंटिलेशन रहता है वो क्यों चल रहा है, तो उसका भी गोल गोल घुमा के जवाब दिया, उसका भी कोई जवाब हमको नहीं मिला। कहा कि ऐसे ही चला रहे हैं हम और इसको हम चाहे काम 2 महीने तक बंद भी रहता है तो हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो हमने कहा कि क्या बता सकते हैं कि पूर्ण तरीके से यहाँ पे काम बंद है, तो उन्होंने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया कि काम बंद है या चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ काम है जो चल रहे हैं और टेक्निकल तौर से घुमाने की कोशिश की, नहीं नहीं हम डिवाटरिंग कर रहे हैं, ये मशीन चला रहे हैं, विस्फोट नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कर रहे हैं, पैनल चेंज कर रहे हैं, मशीनों को रख रखाव कर रहे हैं। और जब पूछा कि कितने लेबर काम कर रहे हैं तो घुमा फिर आके फिर बोला कि नहीं 25-30 लोग अभी टनल में काम कर रहे हैं या आते जाते रहते हैं, पर वो लोग विस्फोट नहीं कर रहे। तो वही पुराना घुमाया फिराया वाला वो सारा जवाब। और जब अभी कुछ दिन पहले जो एनटीपीसी के जो सीजीएम है चीफ जनरल मैनेजर राजेंद्र अहिवार, तो उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारी टनल के अंदर तो कोई पानी नहीं है, बिल्कुल के बिल्कुल सूखी हुई टनल से कोई पानी नहीं आ रहा, टनल में कोई पानी है नहीं, आप देख चुके हैं सूखी है, और जो बन रही है उसके पूरे लाइन है, उसके अंदर कोई ना नीचे से पानी आ रहा है ना कोई ऊपर से पानी आ रहा है, अगर कोई पानी होता तो उसके आसपास और भी यूजिंग होती है। जिसकी वीडियो आप लोगों ने देख ली है कि अंदर कितना पानी था और जिसमें कि गाड़ी तक फंस रही थी, और ये एक टनल की बात नहीं, सारे टनल में इस तरीके का था। और दूसरा आपने वीडियो में देखा होगा जब उनका इंटरव्यू था तो वो कह रहे थे कि हम पूरी स्टडी करते हैं, हमारी इसमें सीस्मिक स्टडीज भी सारी होती हैं और भी जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से उसको पहले स्टडी किया जाता है तभी इसको शुरू किया जाता है, इसके आसपास के क्षेत्र भी सुरक्षित रहे और उसके बाद ही ये सब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। हमको मालूम है कि इन्होंने पानी के ऊपर कोई भी स्टडी नहीं करी थी, ना ही इन्होंने जोशीमठ के ऊपर कोई स्टडी करी है। तो आप देख सकते हैं इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन काल्पनिक कहानियां बुन रहा है। तो ये सारा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो हम तो इसका भरपूर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि एनटीपीसी यहाँ से जाए और अन्य जगह भी पहाड़ों में इस तरीके के प्रोजेक्ट ना हो जिससे कि वहाँ के एनवायरमेंट और वहाँ के लोगों को इस तरीके का नुकसान होता होगा। तो हमारा आप सब लोगों से लास्ट में यही है कि आपसे अपील करते हैं कि ये केवल जोशीमठ की बात नहीं है, ये पूरे पहाड़ की बात है, तो प्लीज़ आप आगे आएं और हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ को बुलंद करें और इस पूरे हिमालय को बचाने की जो मुहिम है उसमें आप अपना साथ दें। तो केवल ये जोशीमठ की बात नहीं, क्या बोल रहे हैं आपको हम किसी से भी। अरे एक सेकंड बोल रहे हैं आप लोगों ने गलती की है, डिस्कसिंग 1976 की जब आपके पास रिपोर्ट थी कि यह क्षेत्र इतना संवेदनशील है, यहाँ पर ज्यादा बसावट नहीं हो सकती है, तभी भी आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पर आईटीबीपी, यहाँ पर आर्मी, यहाँ पर डीआरएल और इसके अलावा अभी तो यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा रेल का स्टेशन और सब जगह आपने निशान लगाए, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी, और इसके अलावा भी आप पूरा बाईपास का काम देखो, आप टनल देखो, ये सारी गलतियां आपके पास इतनी रिपोर्ट होने के बावजूद भी आप सब लोगों ने ये गलतियां की, और आज हमको बोल रहे हो हम तो यहाँ पैदा हुए, हमारा यहाँ पर घर है, अगर मैं यहाँ घर नहीं बनाऊंगा तो मैं कहाँ बनाऊंगा, आप बोल रहे हो आपके एक घर से ये शहर डूबने लग गया और आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ लेकर के आ रहे हो, तो किसकी गलती है, क्या एक आम आदमी के पास पता रहता है उसको कि क्या सरकार में चल रहा है, क्या रिपोर्ट है, एक गरीब आदमी को अपना सुबह जा रहा है घास काट करके लकड़ी काट करके यहाँ आ रहा है उसको क्या रिपोर्ट, क्या पर्यावरण में चल रहा है, आपके टेबल पर सारी रिपोर्ट थी, एक एक चीज का आपको मालूम था, अगर यहाँ पर घर भी ज्यादा बन रहे थे ये किसकी गलती है, देखो अभी चले गए सारे मीडिया उधर, कोई आपकी बात नहीं, जो चाहिए वही वही पाई दिए लेंगे, पैसा लेके नहीं चाहते कि आपकी बात बस ये आपको जो दी मीडिया।
एनटीपीसी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा और कोई ये खबर नहीं दिखाएगा, सबके माइक नीचे हो जाएंगे, सबके कैमरे नीचे हो जाएंगे, कोई नहीं दिखाएगा। सरकार लोगों के दोषी है, हम भीख नहीं मांग रहे, आप लोगों ने हमारा घर तोड़ा है, आप लोगों ने इसके दोषी हो तो हमको इसका, आपको जो भी इसका हर जाना होता आपको देना पड़ेगा। ये कोई भूकंप नहीं आया यहाँ पे, कोई चट्टाने नहीं दर की, ये आपकी गलती की वजह से हुआ, तो आप दोषी हो इसके, आप दोषी हो तो आपको इसका हर जाना आपको देना पड़ेगा। और आप देखो जब हम एनटीपीसी के खिलाफ बोलेंगे, सरकार की गलतियों के खिलाफ बोलेंगे, ये सारे मीडिया के कैमरे डाउन हो जाएंगे, कोई आपकी बात बर्बाद हो गया तो हम क्या, इस तरीके का गढ़वाल का नाम घुमाऊंगा।